रोहित शर्मा के बिना विदेश में टीम इंडिया फेल, पिछले 7 वनडे में मिली हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में शर्मनाक हार मिली है। टीम इंडिया लगातार 3 मैच हारी और सीरीज में उसका क्लीन स्वीप हुआ। भारत इस सीरीज में ओपनर रोहित शर्मा के बिना ही उतरा था। चोटिल रोहित के बिना भारत बेअसर दिखा। पिछले 7 वनडे मुकाबले में रोहित के बगैर खेलते हुए भारत को विदेश में हार मिली है। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा को 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में चोट लगी थी। चोट की वजह से वो वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। रोहित का वनडे सीरीज से बाहर होना टीम इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। विदेश में खेलते हुए पिछले 7 वनडे में से भारत रोहित के बिना एक भी मैच नहीं जीता है। दोस्तों, वनडे सीरीज में रोहित शर्मा टीम को दमदार शुरुआत दिलाते हैं और उनके होने से फर्क पड़ता है। पिछले 7 विदेशी वनडे मुकाबलों पर नज़र डालें तो रोहित का फर्क साफ दिखता है। पिछली 3 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड ने भारत को करारी मात दी। इन तीनों ही मुकाबले में रोहित टीम के साथ नहीं थे। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी भारत को 3 मैचों में हार मिली थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच बेनतीजा रहा था। आपको बता दें, भारत को साल 1989 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 31 साल पहले वनडे सीरीज में ऐसी शर्मनाक हार मिली थी। 5-0 से हारा था भारत और विदेशी धरती पर किसी वनडे सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाया था। वहीं दोस्तों, ICC विश्व कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इसमें रोहित का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कुल 5 शतक जमाते हुए 648 रन बनाए थे। विश्व कप में रोहित न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी टीम इंडिया की हार को लेकर अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।